खबर जयपुर से। जय गोमाता जय गोपाल जगत, जननी गोमाता की असीम कृपा से गोपाष्टमी के दिव्य अवसर पर गोमाता को श्रेष्ठ व उत्तम सब्जियों का छप्पन भोग। जयपुर अनेर की श्री गंगा जुबली पिजनरा प्रोल गौशाला के आंगन में गोपाष्टमी गोमाता की कृपा से मनाया गया। राष्ट्रीय संत पूज्य दाता श्री रामेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ कथावाचक पूज्य गोवत्स आशीष जी महाराज ने कहा, छप्पन भोग की महिमा बताते हुए कहा कि हमें गौ माता को आज से कोई झूठन नहीं डालेंगे और अन्य गोमाता के साथ हम मां जैसा ही व्यवहार करेंगे। ब्रह्म गायत्री सेवाश्रम सागर जयपुर के संयोजक गोवत्सपम आशुतोष शास्त्री जी ने बताया कि इस छप्पन भोग कार्यक्रम में गो भक्त देवकिशन जी चांडक भी मौजूद रहे एवं ब्रह्म गायत्री सेवाश्रम सागर जयपुर अनेर के सचिव संत योगेश्वर रूपानंद भूरमल शास्त्री जी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम लगातार पांचवीं बार किया गया है। इससे पहले हम प्रथम बार आश्रम से शुरुआत किया, फिर द्वितीय बार नोखा से, तृतीय बार श्री करणी घोषाला देशनोक, चतुर्थ बार नापासर व पांचवीं बार श्री गंगा जुबली पिजनरा प्रोल गौशाला में कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोमाता ने चाहा तो आने वाले साल में गोपाष्टमी पर अलग अलग गौशाला में निरंतर प्रयास रहेगा। आप सभी को गोपाष्टमी की अनंत बंधाई है। दाताश्री जी ने गोवत्स आशीष जी महाराज को, दाताश्री के शिष्य गोवत्सपम आशुतोष शास्त्री जी को आशीर्वाद दिया। हम सभी गोवत्स ने पूरे विश्व में एक मांग उठाई है कि सब भगवान के छप्पन भोग लगता है, तो क्यों ही श्री सुरभि गौ माता के लिए गोपाष्टमी के दिव्य पावन पर्व पर छप्पन भोग लगाया जाए। आज आप सभी को अत्यंत प्रसन्नता है कि गोपाष्टमी का पावन अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज के आदेशानुसार पूरे भारत में गौ माता की सेवा का ऐसा संकल्प है। गुरुदेव के हजारों शिष्य हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हमें भी बड़ी प्रसन्नता है। हम भी आज जयपुर में खातीपुरा स्थित राधा कृष्ण गोपाल गौशाला में बाबूजी के सानिध्य में यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। पूजा का कर्मकांड के जो हमारे विद्वत हैं पंडित सत्यनारायण जी शास्त्री ने यहाँ गौ माता के निमित्त पूजा करवाई और आशुतोष जी महाराज बीकानेर से पधारे हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पूजा करने का अवसर मिला। आप सभी से भी एक छोटा सा आग्रह है कि आप सभी प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें। एक दिन सेवा करने से कोई तात्पर्य नहीं है, प्रतिदिन का संकल्प लें। आप नहीं कर सकते हैं, आप गौशाला में आकर आप पूजन करें, पर गौ सेवा से वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। गांवों में अग्रता संतो, गांवों में संतो पृष्ठता, गांवों में हृदय संतो, गवा मध्य वसाम्य हम, ऐसा भाव होना चाहिए कि गाय हमारे आगे चले, हमारे पीछे चले, ऐसा भाव होना चाहिए। आप सभी को पुनः गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती टाइम 24 न्यूज़।